दीपक झा आपसे शुरू कर रहा हूं। दीपक, 7 चरणों में चुनाव, बिल्कुल पिछली बार की तरह, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है दीपक? मानक भाई, सबसे पहले लोकतंत्र के पर्व की घोषणा होते ही पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे आर्यावर्त को बधाई और आपको भी बधाई। अब अगले 3.5 महीने आपकी टीआरपी एकदम जम के बढ़ेगी मानक भाई, तो इसलिए पूरे देश को बधाई, मीडिया को बधाई और आपको। लेकिन उम्मीद क्या थी, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं मानक भाई कि वन नेशन वन इलेक्शन और बड़ी देर कर दी हुजूर आते हैं, तो 3.5 महीने का कितना टायरिंग शेड्यूल होगा देख रहे हैं आप कि 4 जून को आप काउंटिंग करेंगे, आज से आपका आचार संहिता लागू हो गया, तो 3.5 महीना, अप्रैल मई जून और इधर 15 दिन आप मान के चलिए, तो 3.5 महीना होता है। 3.5 महीने में एक चुनाव कराएंगे आप, 3.5 महीने में कोई सरकार घोषणाएं नहीं करेंगे, 3.5 महीने में तो हालात क्या रहेंगे, आपातकाल की स्थिति बना के रख देंगे। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं लेकिन आईना दिखा रहा हूं उन लोगों को जो लोग कहते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे। तो बात बड़ी हैरानी वाली बात है, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने आके पूरी बातें गिना दी विस्तार से, लेकिन 7 चरणों में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, जरा आप ये बताइए मानक भाई पूरे देश को। भाजपा अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं 1 चरण में होना चाहिए, 1 चरण नहीं तो कम से कम 2 से 3 चरणों में हो जाता, देश आगे बढ़ता, विकास की गति पे पटरी पे आगे बढ़ता। हाँ। लेकिन 3.5 महीने का एक लंबा पीरियड होता है मानक भाई, 3.5 महीने चुनावी मोड में देश रहेगा, ये आपको जायज लगता है क्या? कहा तो तय था चिरागा, कहा चिराग मयसर नहीं हर घर के लिए, तो आप दिखाते हैं सपने और यहाँ देते हैं झुंझुना। तो बात यह है, अब भाजपा भी मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, बात यह है कि चुनाव आयोग किसके इशारों पे चल रहा है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होती है मानक भाई, वो आपने देखा है, पहले सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री 3 लोग होते थे, मोदी जी ने उसको बदल दिया, एक मोदी जी का चेला, एक मोदी जी स्वयं और एक विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता ना कहेगा तो मोदी जी और मोदी का चेला मिलकर चुनाव इलेक्शन का कमीशन का चुनाव कर देंगे। तो बात बड़ी साफ है, देश पूरा समझ चुका है कि 7 चरणों में देश के धन बल समय जनता की सबकी बर्बादी है, इससे बड़ी निराशा हुई और बहुत दुख भी हो रहा है मेरे को, लेकिन लोकतंत्र का पल है। मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं कि चलिए कोई बात नहीं, जो है हम मिलके लड़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और देश उन सारी आसुरी शक्तियों को हरा देगा, जो भ्रम की शक्तियां, जुमलेबाजी की शक्तियां थी। ओके, वो सब 2009 का चुनाव मेरे ख्याल से 5 चरणों में हुआ था शायद, आप कह रहे हैं 2 से 3 चरणों में ये चुनाव होना चाहिए था, जब यूपीए की सरकार थी तब भी इसी तरह ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव कराए जाते थे ताकि सुरक्षा बलों की तैनाती ढंग से हो सके, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज ना हो, ईमानदारी से वोटिंग हो सके, किसी को कोई दिक्कत ना आए, आप भी जानते हैं ये बात, ऐसे में 5, 6, 7 चरणों से क्या दिक्कत है? मानक भाई दिक्कत कोई नहीं है, जब आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हम चुनाव करा सकते हैं, 1 चरण में करा सकते हैं, तो बात यह कि 3.5 महीना, 5 चरण और 7 चरण में भी अंतर है, आप 2 महीने में 7 चरणों में चुनाव करा लीजिए मानक भाई, 3.5 महीना क्या है, 3.5 महीने में आप देखते हैं कि 19 अप्रैल को जिस पहले चरण में जहां आपका आरोप है कि जानबूझकर लंबा चुनाव कराया जा रहा है, साफ साफ बताइए ना, उस स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा करना, भाजपा किस तरीके से मैनिपुलेशन करेगी वहां पे, वहां का सुरक्षा करना, पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को वहां पे मेहनत करना रहेगा 24 घंटे, मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं बीजेपी बेईमानी करना चाहती है इसीलिए लंबा चुनाव करवा रही है? बिल्कुल, इसमें इशारा नहीं है, बात बिल्कुल स्पष्ट है मानक भाई, बीजेपी बेईमान है, करप्ट है, भ्रष्टाचार है, डस्टबिन की पार्टी है, जितने विरोधी नेता आते हैं जिनपे इन्होंने आरोप लगाया। दीपक अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आपने अभी से देखिए बहाने बनाना शुरू कर दिया, दीपक चुनाव शुरू भी नहीं हुआ अभी से बहाने बनाने लगे आप, तो मतलब हार स्वीकार कर लिया? बहाने कहा है भाई, बहाने नहीं है, आईना है, आईना दिखा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि चुनाव हो, देश मजबूती से आगे बढ़े, लेकिन भाजपा किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलके देश को लंबे समय तक भटकाना चाहती है, 3.5 महीने। ओके, गुरु प्रकाश जवाब दे रहे हैं आपका, गुरु